स्कूल से लाना पड़ा दक्षु को डॉक्टर के पास। एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सुबह के बज गए 9:15 हो गए हैं और मैं अभी चाय पीऊँगी। फ्रेंड्स आज मेरा काम तो सारा डन हो गया बट मैंने चाय नहीं पिया है। बच्चे भी चले गए, फिर मैंने सोचा सारा काम ही फिनिश कर लेती हूँ उसके बाद ही कुछ करती हूँ। मैंने आज ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था, आज ब्लॉग भी इतना लेट स्टार्ट हो रहा मेरा। तो फ्रेंड्स बस बने रहिए, मैं चाय पी लेती हूँ और नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। बने रहिए आप ब्लॉग में और फ्रेंड्स प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं चाय पीने के बाद। तो फ्रेंड्स मैंने लंच बनाने के लिए चढ़ा दिया है क्योंकि बच्चों का भी टाइम हो जाएगा आने का, अभी तो 11:30 बजे। और आज मेरे सोफे पर कवर नहीं डाला फ्रेंड्स क्योंकि कवर मैंने धुल के डाल दिया है। और इधर देखो पर्दे लगाने हैं, दक्षु ने इसका स्टैंड ही तोड़ दिया पर्दों का। आज सही करवाती हूँ ये सारे काम फ्रेंड्स, फिर पर्दे डाल दूँगी क्योंकि एकदम से सामने पड़ जाता है ना, धूल मिट्टी भी बाहर से तो सीधा अंदर आती है। फ्रेंड्स अभी जा रही हूँ, पहले पर्दों का काम करवाना है, लंच बनाना है बच्चों के लिए क्योंकि जब तक बच्चे नहीं है तब तक मैं आराम से फ्री होकर काम कर लेती हूँ। बच्चे आ जाते फिर नहीं काम हो पाता, फिर अब आधा घंटे से एक घंटा तो बच्चों की गपशप सुनने में ही टाइम निकल जाता है। क्लास में क्या हुआ, किसने क्या बोला, मैम ने क्या बोला, बच्चों का ही डिस्कस होता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स मैं पहले पर्दे लगा दूँ फिर मिलती हूँ आप। फ्रेंड्स दक्षु की हो गई तबीयत ख़राब, लभी देखो सर दबा रहे, उसका सर बहुत दर्द हो रहा है तो स्कूल से लाना पड़ा दक्षु को। ज़्यादा दर्द हो रहा बेटू? चलो पहले इसको देखती हूँ, दवाई दिलाती हूँ। दक्षु सर में दर्द ठीक हो गया? हाँ, ये कॉपी लेके क्या कर रहे हो? एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? दिखो देखो इसका सरप्राइज। और वाओ दक्षु को मिला है स्टार। क्या तेरी बातों में ऐसा उलझा लिया, इसमें डांस कर रहा था। डांस कर रहा था? हाँ। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बस दक्षु ने स्कूल में डांस करा। हाँ। कार्टून भी देखा। कार्टून भी देखा? हाँ, टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी, अच्छा। तो दक्षु को मिला है स्टार इसलिए दक्षु खुश है, बोल रहा मम्मा सरप्राइज आपके लिए। वाह बेटा अच्छी बात है। सृष्टि की राइटिंग अब सुधरवानी पड़ेगी मुझे, ऐसे सृष्टि स्टार लेके आएगी फिर, है ना? चलो फ्रेंड्स अब दक्षु को थोड़ा सा आराम है, मसाज वगैरह कर दी है। चलो इनको खाना खिलाती हूँ, चलो खाना खा लो फिर ठीक हो जाएगा। आ जाओ चलो फ्रेंड्स इनको खाना खिलाऊँ बच्चों को। हो गया दक्षु को ठीक? नहीं हुआ अभी? नहीं आराम ही नहीं मिल रहा है। नहीं हुआ? डॉक्टर की देख कर जा रहे हो आप? हाँ अभी लेके जाऊंगी। अब ठीक हो गया? नहीं हुआ? नहीं अब तो डॉक्टर के जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अभी दक्षु की तबीयत हो गई खराब, इसको देख के मैं तो घबरा ही गई थी। स्कूल में जब लेने गई ना तो एकदम डाउन था ये, उदास सा, मैं देख के घबरा गई। मैंने क्या हो गया बेटू को? अभी दवाई दे दी है तो थोड़ा सा अभी आराम है, स्कूल से आके सो गया था इधर, फिर अभी दर्द हुआ तो फिर मैंने इसको दवाई दे दी है। अब देखते हैं अगर आराम नहीं मिलेगा तो फिर इसको लेके जाना पड़ेगा। ठीक हो गया? अच्छा आ जाओ फिर, हेलो करो सबको फिर। ठीक होगा तो फिर इसको होमवर्क कराएंगे, नहीं तो फिर नहीं कराएंगे। सृष्टि होमवर्क हो गया क्यों? जल्दी करो अपना, अभी टाइम कितना हो गया, 5 बज गए। ठीक है फ्रेंड्स देखते हैं अगर इसको आराम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। बच्चे कुछ हो जाता ना तो फिर किसी चीज़ में काम में मन ही नहीं लगता है। जब से आया ना बस 2 घंटे के लिए सोया था, उसके बाद से गोदी में ही लेटा मेरी। चलो फ्रेंड्स मिलती हूँ बाद में। तो फ्रेंड्स अब दक्षु बिल्कुल ठीक है और शरारत भी शुरू है, देखो गिर गया। मेरी नोटबुक गंदी हो गई, ऐसा पागल की तरह मम्मी आप। तो ये दोनों अपनी मस्ती में मस्त हैं। अब दक्षु ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि दक्षु सुबह परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा, और शाम का मौसम भी इतना अच्छा हो गया, देखो फ्रेंड्स बहुत अच्छा। और बच्चे भी अब इस टाइम पे ना, गर्मी का टाइम है ना तो ठंडा मौसम हो गया, हवा भी अच्छी चल रही, तो छतों पे बच्चे सारे खेल रहे हैं। ये देखो लड़ाई कर रहे हैं दोनों, पीछे आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स क्या हो रहा दोनों का। अभी आती हूँ।
तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग अब यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय बोलो दक्षु। फनी चीज बताओ। मैं दोस्त उन्हें ऐसे ऐसे खेल रहे थे, उसने हाथ था और मैंने मारने वाला था, पता इतनी जोर की लगी, वो पता हम ना हंस रहे थे, मैं बोल रही थी मैम बोल रही थी हाँ। मेरे कपड़े काले। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दक्षु भाई बोलो। दक्षु का फोन किसे चाहिए फ्रेंड्स कमेंट करो। दक्षु का फोन हम आपके पास भेज देंगे। भेज दूँ? मेरा फोन है। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। भेज नहीं दूंगी, फ्री में दे दूंगी। ठीक है, मोबाइल फ्री में दिया। बाय बाय।